क्यों कुछ मुझे टीवी का पता है कि सर सर या Shiravawala to come along with Amars and check. I request media to go a little backward, please, so that we can have a group picture and we cover everyone. दोस्तों तालियां बनती हैं. थैंक यू सो मच. आप भागते रहो. एंड आई होप यू गाइस लव्ड द म्यूजिक. आई पर्सनली लव्ड गुंगू. हमारे गेस्ट दो लव्स जरूर कहेंगे हमारी म्यूजिक एंड ट्रेलर लॉन्च के लिए. सतीश जी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू. थैंक यू. थैंक यू आई कांग्रेचुलेट एंड फॉर दिस लवली लिटिल फिल्म व्हिच आई सी सम सॉन्ग्स एंड ट्रेलर. सो मुबारक हो आपको बहुत बहुत. प्रफुल्ल तिवारी जी, सुनील जी, कल्पना जी, मेरी वाइफ की दोस्त कल्पना जी, उनकी वाइफ देवांश इज और ग्रुप, उनका जो बैंड ग्रुप है, उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद के एंटरटेनिंग यंग फिल्म है. और देख के पता चलेगा और मज़ा आएगा. जितना मज़ा अभी आया उससे ज़्यादा मज़ा आएगा. और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद फॉर दिस म्यूज़िक लॉन्च. दिस इज़ द स्टार ऑफ द पिक्चर. मतलब आप पब्लिक के सामने आएगा म्यूज़िक, पब्लिक के सामने आएगी फिल्म. उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, द म्यूजिक डायरेक्टर एंड ऑल द यंग एक्टर्स. कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन. जो देखा मैंने, आई लव्ड इट सो मच. द प्रोमो इज सो फैंटास्टिक. थोड़ा सा एक झलक दिखी एंड इट वॉज वेरी फनी. एंड आई कांग्रेचुलेट प्रफुल्ल तिवारी जी एंड द एंटायर टीम ऑफ एक्टर्स एंड द क्रू एंड एवरीबडी एंड स्पेशली माई एल्डर ब्रदर मनीष भाई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सक्सेस फॉर दिस फिल्म एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थैंक यू. गो टू माई हाउस जस्ट फॉर अ स्मॉल गेट टूगेदर. वन रिक्वेस्ट लेट नाइट ही डिड कम एंड ही हैड सेड समथिंग. जिसने रेस टू नहीं देखी है, रेस थ्री था ना सुनील, तो वो पैसे बचा के रखिए आप और भागते रहो. गॉड ब्लेस एवरीबॉडी इन द एंटायर क्रू एंड द फिल्म. सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. मैं भी इस फिल्म में हूँ, ट्रेलर में नहीं हूँ. वो सस्पेंस है. वो सस्पेंस है. मैं दिल में हूँ, फिल्म में हूँ, ऐसे लखानी साहब कह रहे हैं. और लखानी साहब जो है, मैं इनके ऑफिस में जाता हूँ. इनके ऑफिस के लोग भी मेरे साथ मजाक, पता नहीं मुझे देख के लोग मजाक क्यों करते हैं. सतीश जी, मैंने इनसे इनके रिसेप्शन से कहा कि योगेश है, तो बोले योगेश. तो मुझे गेस करना पड़ा कि है कि नहीं. तो लाखों में एक ही से लखानी है. हर साल कम से कम 12 महीनों में 24 पार्टियाँ देते हैं.
और बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी भी फिल्म अभी अक्टूबर में आने वाली है। ये फिल्म जो है इस भागते रहो, इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ मैं। फिल्म भागते रहो एक आज की फिल्म है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, एक्शन भी है, हर तरह का म्यूज़िक भी है। और आज म्यूज़िक लॉन्च हुआ, ट्रेलर लॉन्च हुआ, और एक इस फिल्म का हिस्सा होने के नाते मुझे बड़ी खुशी और बड़ा प्राउड फील हो रहा है। और हाथ जोड़ के निवेदन है आप सब से, जब जब ये जहाँ जहाँ ये फिल्म आपको दिखाई देगी थिएटर में, चाहे नज़दीक हो या दूर हो, पूरे परिवार के साथ में जाइएगा। एक साफ़ सुथरा मनोरंजन है, एक पारिवारिक फिल्म है जिसपे आपको देख के मज़ा आएगा। हाँ, मैं भी इसमें किरदार ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इसमें शादी करने के लिए पीछे पड़ा हूँ, और हमारी हीरोइन जो है उसको परेशान करता रहता हूँ शादी के लिए। जो ट्रेलर देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम फास्ट पेस फिल्म लग रही मेरे को। और आई थिंक फिल्म इज नाइस, फनी कॉमेडी फिल्म। एक्टर नए हैं, स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है उनका, गाने सब अलग अलग हैं तो गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। और आई एम वेटिंग टू सी द होल फिल्म एक्चुअली, सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द। अभी मेरी एक सेल ख़त्म हुई है एक दीवाना सोनी पे, एक नया शो शुरू हो रहा है कलर्स पे वेरी सून। मैं देखा ना, सुना नहीं डायलॉग, कहता अभी चाबी नहीं है, रिवॉल्वर है, कहाँ मेरी धोती में हाथ डाल लिया था उन्होंने। तो ये कॉमेडी फिल्म है, बड़ा मज़ा आएगा सबको देख के। और कॉमेडी फिल्में आजकल बहुत अच्छी अच्छी बन रही हैं, लेकिन इस फिल्म में मेरे को थोड़ा अलग रोल किया मैंने, डाउन का रोल है, कॉमिक डाउन है। राजपाल यादव हैं और दिनेश हिंगू जी सीनियर एक्टर हैं। बड़ा मज़ा आएगा आपको देख के। और गाने बहुत अच्छे लगे मुझे इस फिल्म के, गाने बहुत अच्छे हैं। तो अपना बस यही है इसका, अभी चले फिल्म ये बढ़िया तरीके से, यही दुआएं हैं। और आपका चैनल भी दिन भर दिन फूले फले, यही मेरी दुआ है हमेशा। मैं अभी फिल्म ही कर रहा हूँ, एक है टाइम नहीं है और एक है छुनछुना। अब ऐसी फिल्में मिलेंगी। और एक तो स्टार प्लस पे अभी मैंने किए हैं पायलट, स्टार प्लस पे जल्दी आने वाला हूँ मैं। बाकी वेब सीरीज चल रही हैं, ये सब है, कुछ ना कुछ चल रहा हो। तो मेरे को काम आता नहीं है, यही काम आता है बस एक्टिंग का। और तो सोच रहा हूँ साथ में प्लम्बर का काम शुरू करूँ, नल ठीक कर देंगे लोगों के, है ना। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है अभय कबीर रायचंद। किस तरह की मूवी है और आपका किरदार किस तरह का? तो ये एक कॉमेडी फिल्म है और कंप्लीट एक फैमिली एंटरटेनमेंट है, जिसमें आप बच्चों के साथ अपनी फैमिली में भाई बहन मामा मामी अपने नाना नानी पापा मम्मी सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। मीन्स आपको हर फ्रेम में बहुत मज़ा आएगा, बहुत हंसने वाले हैं आप। आपके साथ में गोपी जी के साथ कैसी केमिस्ट्री है? गोपी जी हैं, सुनील जी हैं। गोपी जी सुनील जी सबके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, बट सच बताऊँ तो सुनील जी के साथ काम करके कभी ऐसा लगा नहीं कि हम पहली बार काम करें। मीन्स इतने हम्बल इंसान, इतने डाउन टू अर्थ और इतने प्यारे इंसान हैं कि मुझे बहुत मज़ा आया काम करके दोनों के साथ। कहने की कॉमेडी के साथ इसमें लव अफेयर भी है, क्या कहना चाहेंगे? दोनों मज़ा। हाँ, मीन्स शुरुआत ऐसी होती है कि ये फिल्म का कुछ ट्रैक ही ऐसा होता है कि वो उस लड़के की जो पूरी जर्नी दिखाई गई है उसमें एक रोमांस का, एक प्यार का भी एक पार्ट है जो भी बीच में आता है और एंड तक उसके साथ वो चलता है। तो ये बहुत एंटरटेनिंग है और बहुत मज़ा आएगा आपको फिल्म देख करके। पहले क्या प्रोफाइल आपका, क्या क्या कर चुके हैं? मैंने बहुत सारे एपिसोडिक क्राइम बेस की स्टोरीज़ की हैं और मैंने डेली सोप्स की हैं और ये मेरी पहली फिल्म है। तो बस एक होप है कि फिल्म बहुत अच्छी जाए और लोगों को बहुत पसंद आए, मेरा काम बहुत पसंद आए। आपका